हाई आई एम दिस इज़ फ़हीम खान, वेलकम बैक टू द चैनल फ़हीम ब्लॉग्स। साथियों, नए गॉट की लॉन्चिंग हुई है और ये है फार्म एक छोटा सा विष्णु भाई का। तो यहाँ पर इनके लगभग 4 से 5 महीने के बच्चे हैं और कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हैं। तो इसी बीच एक बच्चा इनका जो है ये लेमनेस का शिकार हुआ है, इसको इंजरी हुई है, इसके नसों में कमजोरी हुई है। जब भी ये चलता है, जब भी उतरता है या भागता है तो यहाँ पर एक टांग जो है ये वाली जो मैं पकड़ रहा हूँ और लेफ़्ट हैंड की, तो इसमें साथियों दर्द होता है। टांग को शॉर्ट करके चलता है, टांग ऐसे चलता है साथियों जैसे कि इसकी टांग में कोई गंभीर चोट लगी हो, और यहाँ पर किसी भी प्रकार की सूजन नहीं है। और साथियों कभी कभी ऐसा लगता है कि टांग बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से इसमें शिकार हुई है, इंजरी हुई है, और ऐसा ही इस बकरे को साथियों हुआ है। तो यहाँ पर भाई ने इसको सिकाई भी करी है और साथ ही साथ तिल के तेल से मालिश भी करी है, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर मैंने इसको पूरी तरह डायग्नोसिस करा है। तो यहाँ पर साथियों इसके नसों में दर्द है और साथ ही साथ वीकनेस है, कमज़ोरी है, जिसकी वजह से चलने में ये असमर्थ है। अगर ऐसी स्थिति बने तो आपने कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं जिसे लगाते ही बकरा जो है जो लैमनेस का शिकार हुआ है, दर्द का शिकार हुआ है या नसों में कमजोरी है, तो वो इंजेक्शन मैं आज को बताने वाला हूँ। क्योंकि गॉट फार्मिंग में छोटी से छोटी बातें आपको अगर पता होंगी तो आप अपने लॉट में इलाज कर सकेंगे और पशु की आने वाली बीमारी के बारे में भी आपको पता चलता रहेगा। तो सबसे पहले हमें डायग्नोसिस करना चाहिए ऐसी कंडीशनों में। यहाँ पर किसी प्रकार की इसके सूजन नहीं है, चलने पर जानवर थोड़ा टांग को शॉर्ट करके चल रहा है और कम रख के चल रहा है। तो सबसे एक बेस्ट सिरप आता है न्यूरोकाइंड प्लस वेट, 200 ml में आता है ये। लगातार बच्चे को 5 ml, इतनी उम्र के बच्चे को आपने 5 ml पर डे देंगे तो नसों की कमज़ोरी को दूर करने के लिए जो लैमनेस का शिकार हुआ है या दर्द है, कमज़ोरी की वजह से जो साथियों ब्लड फ्लो है वो, जिसकी वजह से टांग सही तरीके से रख पा रहा है, तो ये आपने न्यूरोकाइंड प्लस वेट करके ये सिरप 5-5 ml आपने दिलवानी है। अब यहाँ पर कुछ आपने एनाल्जेसिक भी लगाने हैं, कुछ एंटीबायोटिक लगाने हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको 2 ml इंद्रोफ्लॉक्सासिन दिया है, और दर्द के लिए जो बेस्ट इंजेक्शन है वो है साथियों वेटालजिन। वेटालजिन ये साथियों पेट दर्द में भी बहुत अच्छा काम करता है, और साथ ही साथ आपने ये साथियों अगर पशु लंगड़ा कर चलता है या घुटने में कहीं सूजन आ गई है, टांग नहीं रख पा रहा है, तो वहाँ भी बहुत अच्छा रोल निभाता है। तो वेटालजिन इज़ द बेस्ट ऑफ लैमनेस एंड एनाल्जेसिक। तो यहाँ पर मैंने साथियों 1.5 ml इसको डीप इंटरमस्कुलर वेटालजिन लगाया है, जो 33 ml का आता है, और साथ ही साथ 0.5 ml मैंने इसको डेक्सामेथासोन दिया है। इन 3 इंजेक्शन से अगर आप इलाज करेंगे तो 100% बकरा ठीक होगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो